दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों हम लगातार दो वीडियो में बात कर चुके हैं कारगिल युद्ध के बारे में। ये अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है, इससे पूरा देखिएगा और मैं इसमें बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं। हम पहले दो वीडियोस में बात कर चुके हैं युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रहती है, क्यों युद्ध होता है, LOC की लाइन के बारे में बात कर चुके हैं, ये भी बात कर चुके हैं, देख चुके हैं किस तरह से भारत की तरफ पाकिस्तान के सैनिक LOC क्रॉस करके लाइन ऑफ कंट्रोल LIC नहीं है, याद रखना है LAC, LIC और LOC, इन तीनों में अंतर यह है, ध्यान देना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये चीन से है, ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन का है LAC और LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये पाकिस्तान से, तो तीनों टर्मिनोलॉजी में ध्यान से देखिएगा, LAC, LIC, LOC, तो LOC, तो LOC क्रॉस करके भारत की तरफ चले जाते हैं। भारत के कुछ देशभक्त सिपाही चरवाहों ने पता लगाया कि ये सैनिक भारत के नहीं हैं, ये सैनिक कहीं ना कहीं दूसरे देशों से हैं और दूसरे देशों का मतलब है, जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान के हैं, तो उन्होंने भारत की आर्मी को सूचित किया और भारत की आर्मी जब जा करके वहां पता लगाती है तो भारत को पता लगता है कि वो सैनिक ऐसे ऐसे लोकेशन पर खड़े हैं, बैठे हैं जहां से भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या किया जा सकता है, सीधे सीधे भारत की सड़कों को काटा जा सकता है और भारत की सड़कें भारत की जीवन रेखा है, क्योंकि इससे सीधे सीधे यातायात ही नहीं, इससे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये सारी हम बातें कर चुके हैं, अब हम बातें करने वाले हैं किस तरह से भारत के चार परमवीर चक्र विजेताओं ने मिल करके महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत को विजय दिलाई। पहले मैं उनके आपके सामने रखने वाला हूं उन चारों के नाम। ये परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा वीरता चक्र जो होता है सैनिक क्षेत्र में, वो परमवीर चक्र होता है, उस पर हम उनके नाम पहले देखने वाले हैं। इसको साफ करके देखिएगा दोस्तों किस तरह से इनके नाम रहते हैं, चार नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, देखिएगा। पहले तो अगर आपसे पूछा जाए परमवीर चक्र विजेता भारत के कारगिल वॉर में 1999, ठीक है, ये आपको देखना है। तो पहला है मनोज कुमार पांडे का नाम, जी हां मनोज कुमार पांडे ये रहते हैं। दूसरा विक्रम बत्रा, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, विक्रम बत्रा के बारे में ध्यान रखिएगा। और तीसरा है योगेंद्र सिंह यादव का नाम, योगेंद्र सिंह यादव जी का नाम। और चौथा है संजय कुमार का नाम, देख रहे हैं ये नाम देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला परमवीर चक्र विजेता, ये भारत के परमवीर चक्र विजेता हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इनका नाम क्या है, मनोज कुमार पांडे नाम है, दूसरा विक्रम बत्रा नाम है, तीसरा योगेंद्र सिंह यादव, चौथा संजय कुमार, ये भारत के परमवीर चक्र विजेता रहते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि युद्ध खत्म कैसे होता है, भारत की सेना ने लॉन्च किया है ऑपरेशन विजय, जबकि भारत की एयरफोर्स ने लॉन्च क्या किया है, ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च कर दिया है। और इसी समय, याद रखिएगा थोड़ा सा यहां देखने की कोशिश करिएगा, इसी समय क्या होता है, इसी समय होता है यूएस के राष्ट्रपति रहते हैं बिल क्लिंटन के पास जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और वो कहते हैं कि भारत ने गोलाबारी करनी स्टार्ट कर दी है हमारी सेनाओं पर। अब चूंकि पहले ही पाकिस्तान क्या कहता था कि ये हमारे सैनिक नहीं हैं, अब वही पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे सैनिक को मारा जा रहा है, यानी अब वो स्वीकार करने लगा है, पाकिस्तान स्वीकार करने लगा है, पाकिस्तान एक्सेप्टेड दैट दो सैनिक्स आर देयर, वो उनके सैनिक हैं। अब बिल क्लिंटन साहब नवाज शरीफ को कहते हैं कि भैया एक काम करो, अगर भारत से बचना है तो आप क्या कर दो, वहां से अपने सैनिकों को निकाल लो। और ये निकालना कब तक होना चाहिए, 4 जुलाई 1999 तक ये काम हो जाना चाहिए,
मैंने बताया था मई से लेकर जुलाई तक युद्ध चलता रहता है, लगभग 1.5 महीनों का 100 से 150 किलोमीटर के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। ये दिमाग में बिठा लो अच्छे से। इसके बाद देखिए, अब ये सैनिक पीछे वापस होना स्टार्ट हो गए। भारत के टाइगर हिल ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। पूछा जा सकता है टाइगर हिल लोकेशन क्या है, तो आपको क्या बताना है, कारगिल क्षेत्र, एलओसी के पास कारगिल क्षेत्र, वहीं पर टाइगर हिल है। और विक्रम बत्रा के बारे में कुछ बताने वाला था, तो विक्रम बत्रा के बारे में एक बात याद रखिएगा, इन्होंने एक बहुत फेमस जो इनका स्लोगन था, वो स्लोगन था ये दिल मांगे मोर। मोर मतलब अत्यधिक, ये दिल इनका और मांगता है, ये दिल मांगे मोर, जिसको बाद में पेप्सी कोका कोला, जो नाम सुना है, सुना होगा, तो पेप्सी ने इसको अपना स्लोगन बना लिया। पेप्सी ने क्या है, ये दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा। ये भारत के वो सैनिक हैं जिनकी वजह से भारत ने कारगिल वॉर जीता, ऐसा वॉर जो लड़ा जा रहा था -10 डिग्री सेल्सियस पे युद्ध हो रहा था, कारगिल में युद्ध हो रहा था -10 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था। और आप जान लीजिए ये युद्ध हो रहा था 10,000 ऊंची चोटियों पर, यानी बहुत ऊंचाई पर युद्ध हो रहा था। और भारत की सेना ऐसे लड़ाकों से लड़ रही थी जो पहले से ही बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, बहुत कूटनीतिक वाले इलाकों पर बैठे हुए हैं, जहां से वो हमला करते थे तो सीधा सीधा भारत के सैनिकों को नुकसान झेलना पड़ता था। दोस्तों इस तरह से युद्ध समाप्त होता है। और हर साल भारत में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। अगर आपने कल का न्यूज सुना हो तो उसमें हमारे चीफ रहते हैं बिपिन रावत साहब कहते हैं कि यह 20 साल की वर्षीय जो भारत मना रहा है कारगिल दिवस की। हालांकि 26 जुलाई को भारत के सैनिकों को पूरी तरह से टाइगर हिल पर कब्जा मिलने के साथ ही भारत की सेना कारगिल क्षेत्र से, उस क्षेत्र से जहां भारत की एलओसी रहती है, वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को और उन मुजाहिदीनों को जिन्हें पाकिस्तान मुजाहिदीन कहता है, उनको हटाने में कामयाब होती है। यह देखने के बाद अब हम देखते हैं कि इस युद्ध का महत्व क्या रहता है, युद्ध के बाद भारत में क्या बदलता है, पाकिस्तान में क्या बदलता है, उसको हम ध्यान से समझने वाले हैं। तो ये नाम बहुत याद कर लीजिएगा, क्या नाम है, पहला मनोज कुमार पांडे, दूसरा विक्रम बत्रा, तीसरा योगेंद्र सिंह यादव, चौथा संजय कुमार। दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द परमवीर चक्र अवार्डी। ठीक है, ये देखने के बाद अब इसका महत्व, सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं हम, समझने की कोशिश करिएगा। अब इसका महत्व देखिए, महत्व सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व। पहला महत्व क्या है, यह दुनिया का पहला युद्ध हो रहा था जिसमें दो परमाणु शक्ति संपन्न देश लड़ रहे थे। ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध हो रहा था जिसमें दो पड़ोसी देश, जिन दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियर पावर है, वो लड़ रहे हैं। दूसरी चीज आपको यह देखना होगा कि भारत ने क्या किया, हाथ मिलाने की कोशिश किया, उसको क्या मिला, ऑपरेशन मिला, यानी कि उसको दबाने की कोशिश की गई। इस युद्ध का महत्व यह भी है कि इस युद्ध में पहली बार हाविटजर तोपों का, यह नाम आप याद रखिएगा, हाविटजर तोपों का पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो अमेरिका से निर्यात की गई थी। और चौथा जो इसका महत्व, इजराइल ने हमें गोला बारूद दे करके, हमें यूएवीज का मतलब होता अनमैंड व्हीकल्स दे करके हमारी मदद की। यानी भारत पहले क्या करता था, फलिस्तीन के मुद्दे पर भारत हमेशा से यूएन वगैरह में क्या करता था, इसराइल का सपोर्ट नहीं करता था, यानी लेकिन इस युद्ध में इसराइल ने हमारा सपोर्ट किया और इसके बाद से ही भारत के रिश्ते इसराइल से सुधरने शुरू हुए। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जाकर के मुलाकात की है इसराइल में, और भारत का सहयोग इसराइल के साथ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का ही क्षेत्र क्यों ना हो। ये चीजें, इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, ये युद्ध पहला युद्ध था जिसमें पश्चिमी देशों ने, याद करिएगा,
पश्चिमी देश जिसमें ब्रिटेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, रूस शामिल, ये तमाम देश शामिल हैं। तो इस पहले यार युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें डायरेक्ट तौर से अमेरिका ने भारत को कहा था कि भारत इज नॉट द एग्रेसर कंट्री, भारत ने कोई गलती नहीं की है, गलती पूरी तरह से किसकी है, पाकिस्तान की है। आपको यहां एक बात और याद रखना होगा कि अफगानिस्तान का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, तब आपको समझने को मिलेगा किस तरह से पाकिस्तान हेल्प कर रहा था अफगानिस्तान के मामले में अमरीका की, यूएसए की। और साथ ही साथ दुनिया में कोल्ड वॉर के समय भारत रूस के तरफ झुकाव ज्यादा रहता है, हालांकि भारत किसी खेमे में शामिल नहीं रहता है, लेकिन पाकिस्तान का पूरी तरह से जो झुकाव रहता है, पूरी तरह से मिलावट कह सकते हैं, वो यूएसए के साथ रहता है। यानी यूएसए ने पहली बार भारत की इस तरह से वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया था, इसे सम्मानित करने का काम किया था। इसके बाद से ही भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते सुदृढ़ होते गए और पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते कहीं ना कहीं गड़बड़ होते गए। दोस्तों, इस सारे वीडियो में हमने देखा कारगिल वॉर के बारे में। इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको कैसे वीडियो चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए आपको। इस तरह से हम कारगिल वॉर को पूरी तरह समझ चुके हैं। आप सभी का दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया और भारत माता की जय। जय हिंद।